आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और ईबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और ईबेक्स कैश स्टूडियोज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अपना खास शो कल का बाजार, जहां आपकी तमाम क्वेरीज हम करते हैं शामिल और साथ ही एक आउटलुक आपको मिलता है नेक्स्ट सेशन के लिए और क्या रणनीति आपकी इस वक्त मार्केट में होनी चाहिए, इस पर भी हम एक्सपर्ट से करते हैं बातचीत। सबसे पहले आपको बता देते हैं शो का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। वो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे और आज नहीं तो आने वाले एपिसोड में आपके क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश पूरी की जाएगी। नंबर है 7045220000। इसके अलावा ये शो लाइव भी है ट्विटर पर, फेसबुक पर, तो अपने सवाल आप वहाँ भी हमें पोस्ट कर सकते हैं। किसी वजह से अगर आज हम आपकी क्वेरीज नहीं ले पाए तो कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को फर्दर एपिसोड्स में शामिल करने की। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज बाजार में हुआ क्या, उसके बाद आपके सवाल करेंगे शामिल। आज नवंबर सीरीज की एक्सपायरी भी थी, एक्सपायरी हरे निशान में हुई है। सेंसेक्स आज 450 अंक चढ़कर बंद हुआ, निफ्टी 120 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, निफ्टी बैंक थोड़ा गिरावट के साथ क्लोज हुआ। आज की तेजी में जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग परफॉर्मर था उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो पूरी सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, अकेला ही 6% से ज्यादा भागा। मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी थी वो था तेल, गैस, रियल्टी और फार्मा स्टॉक्स। FIs ने आज क्या किया है, FIs की बिकवाली का क्वांटम ही रहा है, लेकिन वो क्वांटम थोड़ा कम जरूर हुआ है, क्योंकि पिछले 3 सेशंस अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़, 5,000 करोड़ तक की बिकवाली FIs की ओर से हो रही थी। आज 2300 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन हाँ बिकवाली जरूर हुई है। DIs की ओर से खरीदारी हुई है 1367 करोड़ की कैश मार्केट में। आज के एक्सपर्ट गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद है LKP सिक्योरिटीज के। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अब अक्टूबर नवंबर दोनों सीरीज ने ना पैसा बनाकर दिया नहीं, स्पेशली जो तेजी वाले ट्रेडर्स थे, इतना उथल पुथल मार्केट रहा है। ऐसे में अब अगर नई सीरीज की बात करें, दिसंबर सीरीज की बात करें, उसमें हम एंटर कर रहे हैं कल से, आपने अपने क्लाइंट्स को सजेशन क्या दिया है, स्पेशली पोजीशंस के हिसाब से, इंडेक्स के हिसाब से? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, आपने सही कहा कि जो लॉन्ग्स में थे पिछले कुछ अरसे से एक प्रॉफिट्स नहीं बने हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, डे टू डे वाइज अगर देखें तो लॉन्ग्स में या शॉर्ट्स में अगर किसी ने क्रिएट किया तो अग्रेसिव मिलना नहीं है, बारिंग 3-4 दिन पहले का। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए डेली चार्ट का, मैं निफ्टी का देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो लोअर हाई लोअर लो जो एक कैरेक्टरिस्टिक है डाउन ट्रेंड का, वो फिलहाल देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे जब तक क्लोजिंग 17,600 के ऊपर नहीं आती है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आपको ऊपर लेवल्स पे देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मैं निफ्टी के चार्ट देता हूँ डेली के स्पॉट लेवल्स की, और मैं अगर 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे डालता हूँ, तो वो तकरीबन आपके 17,200 के आसपास में आ रही है। तो 17,200, 17,600 ये एक रेंज होगी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ऊपर में जैसे ही 17,600, 17,650 के करीब आएगा, अगर वहां पे सस्टेन हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो एक बार फिर से 18,000 हमको कुछ दिनों में देखने मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो क्लोजिंग नहीं आ रही है उसके ऊपर, एक बार के लिए रुझान जो है थोड़ा कॉशियस रहेगा, माइल्डली नेगेटिव ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो लेवल्स पर गौर कीजिए और रुझान अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है इंडेक्स पर इन लेवल से। चलिए बिना देरी के अब सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बैंगलोर से। रंजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग जी, मैं हैप्पीएस्ट माइंड 90 क्वांटिटी लिया था, 166 पे है। साउथ इंडियन बैंक। अभी क्या जानना चाहते हैं, इतनी तो खुशी दे दी आपको हैप्पीएस्ट माइंड ने। मेरा इरादा है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूं। ठीक है, पूछ लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 166 की खरीदारी और स्टॉक 4 डिजिट में अभी ट्रेड कर रहा है, तो इससे ज्यादा हैप्पीनेस क्या मिलेगी किसी स्टॉक से जो कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे रहा हो। बट स्टिल क्या लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, क्या सजेशन रहेगा आपका गौरव? जी बिल्कुल, दिल बड़ा हैप्पी कर दिया, लेकिन एक इसकी चार्ट हिस्ट्री जो है काफी लिमिटेड है, 1.25 साल की हिस्ट्री है। तो 1.25 साल की हिस्ट्री को देख के मैं सही राय नहीं दे पाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इनका जो 950,000 रुपीज ये इनके लिए काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे अगर इनका अगर इनको लंबे अवधि के लिए भी रखना है, तो हायर आई हायर लेवल जो सिलसिला बन रहा है डेली चार्ट पे, उसके हिसाब से 950 के लेवल से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। ये अगर हो जाता है तो जनरली जब भी हाई ने तोड़ा है तो 30-40% रिटर्न फिर भी दिया है, तो मुझे लगता है कि जो इसका नेक्स्ट हर्डल है ये जो है तकरीबन 1600 का।
ये पार करेगा तो फिर स्टॉक जो है 2000 के करीब जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 950 का इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ओके ठीक है, शुभम से बातचीत करते हैं। शुभम शर्मा है जयपुर से। शुभम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी हेलो जी बिल्कुल। हाँ जी तो मेरा सवाल ये है कि मैंने SBI कार्ड के शेयर खरीदे थे 134, क्वांटिटी 134, करीब 1 लाख के खरीदे थे। कॉस्ट थी एक शेयर की 1097 है ना, और अभी ये करीब 1000 के आसपास चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन था कि मुझे इसे एवरेज आउट करना चाहिए टू मिनिमाइज यू नो मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए। आपका व्यू क्या है पहले तो शुभम ये बताइए, आपका व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म रखेंगे स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट है या थोड़े समय के लिए लिया है? हाँ जी मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा मुझे विश्वास है SBI कार्ड काफी ठीक ठीक है। पहली चीज तो शुभम ये कि इतना नीचे नहीं है आपकी खरीदारी के भाव से कि आप एवरेज करेंगे। 1003 पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 1097 के आपकी बाइंग है, 90 रुपए नीचे है बहुत, और 90 रुपए इन स्टॉक्स के लिए मूवमेंट को बहुत बड़ी बात नहीं होती, इससे ज्यादा एक दिन में चल जाते हैं अगर चलने पे आए तो। आप बताइए क्या सजेशन रहेगा गौरव, SBI कार्ड्स में एवरेज करने की ये बात कर रहे हैं, 90 रुपए नीचे है सिर्फ इनकी खरीदारी के भाव से, दूसरा व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, क्या सजेशन होगा? देखिए लॉन्ग टर्म अगर होते हैं तो जैसे आपने सही कहा कि 7% डाउन के ऊपर कुछ पैनिक में करना नहीं चाहिए, ना लॉसेस को कवर करने के लिए एवरेज करना चाहिए। पिरामिडिंग में जाइए, जब स्टॉक ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद वापस जब रिटेस्ट होता है लेवल्स, तब आप ऐड कीजिए। एवरेजिंग काफी नेगेटिव आस्पेक्ट है जो काफी रिटेल फॉलो करता है, जो वो बिल्कुल गलत चीज है, एवरेजिंग में आप नहीं जाइए। यहाँ पे अगर स्टॉक के आइसोलेशन बात की तो 970 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है सॉरी वीकली चार्ट पे, तो उसका सपोर्ट आ रहा है, एक चैनल के सपोर्ट भी यहीं पे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से बने रहिए, 970 से यहाँ पे एक अच्छा बाउंस आपको देखने मिल सकता है। इसमें जो रियल ब्रेकआउट है, जो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो 1180-1200 के आसपास में, जब वीकली चार्ट पे 1200 का क्लोजिंग आ गया तो स्टॉक जो है वो 20-25% आपको 2-3 हफ्ते में दे देगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, फिलहाल अच्छा है, आप इसमें बने रह सकते हैं। 970 का स्टॉप लॉस मैं निकल दूंगा। ओके अगले कॉलर से बात करते हैं, हमजा मुखी हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। हमजा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। टाटा मोटर्स का शेयर है मेरा मैडम, 510 का बाय है, तो बने रहना चाहिए कि निकल देना चाहिए? टाटा मोटर्स आपका व्यू क्या है सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है आपने ये स्टॉक, ट्रेडिंग के लिए लिया था? मैंने ऐसे तो 2 महीने के लिए लिया है। ओके, 2 महीने का व्यू है और थोड़ी हायर लेवल की बाइंग है टाटा मोटर्स की, 510, 2 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन गौरव आपका? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, यहाँ पे 460 करने के लिए स्टॉप लॉस होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो गैप अप हुआ था, वॉल्यूम्स भी क्रिएट हुए थे जब वो ईवी का बज आया था, वो कैंडल को तो तोड़ा नहीं है, तो 460 के स्टॉप लॉस बने रहिए। ऊपर में 530 का एक हर्डल है, 530 तोड़ दिया तो स्टॉक जो है वो 600 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे आप बने रहिए। स्ट्रक्चर का अभी भी स्टॉक काफी पॉजिटिव है। ओके, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। अगले कॉलर से बात करेंगे, गौरव है हमारे साथ फोन लाइन पर, माफ कीजिए अमन जैन है पटना से। अमन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैंने 250 के भाव से रेमंड के 200 शेयर लेके रखे हैं, तो मुझे जानना है कि इसका मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट कर लेना चाहिए आगे के लिए? अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, 373 रुपए का फायदा हर स्टॉक पर, डबल से ज्यादा, क्या करें, प्रॉफिट्स ले लें, होल्ड रखें रेमंड्स 250 की बाइंग है? देखिए स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने मिला है पिछले कुछ महीनों से। यहाँ पे आप पार्शियल क्वांटिटी बुक करके 540 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। ये जो मोमेंटम है, ये अगर 540 होल्ड कर गया तो स्टॉक जो है एक बार 750 के लेवल से भी आपको दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं, पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए। ओके, पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पर ले सकते हैं, यही सजेशन है आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और सवाल भेजा है संदीप राजगुरु ने वडोदरा से। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका।
जी गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। 442 के क्वांटिटी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 417 के 100 क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। ओके पूछ लेते हैं, बीपीसीएल 442 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म का, 400 के आसपास बंद हुआ है ये आज स्टॉक, क्या करना चाहिए इनको इस शेयर में गौरव? देखिए इसमें अगर मैं देखा जाए वीकली चार्ट से अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म नजरिया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक हर्डल आपको जरूर देखने मिल रही है जो एक तकरीबन 500 के आसपास की है और नीचे में सपोर्ट जो है 300 के करीब के एक बार आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल एक बार आप बने रहिए, लेकिन अगर स्टॉक 365-370 को तोड़ दे तो एक बार एग्जिट कीजिए वो बेहतर होगा, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है वो और कंसोलिडेशन में निकल जाएगा, तो 360 का 65 का बीपीसीएल के लिए। और एक और सवाल है, इनफैक्ट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इनके पास 417 की खरीदारी है, यहाँ पर 100 स्टॉक्स है इनके पास, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 417 की बाइंग के हिसाब से सजेशन आपका? यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि एक स्टिक स्टॉपर्स यहाँ पे भी 365 का होगा, स्ट्रक्चर फिलहाल मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, कंसोलिडेशन मुझे और भी कुछ महीनों के लिए लग रहा है क्योंकि ये लॉन्गर टर्म ट्रेंड चार्ट्स पे वीकली या मंथली चार्ट्स पे भी हायर है, हायर लो बन रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इनका नजरिया भी लंबे अवधि का है, तो 365 के स्टॉपर्स से ये होल्ड कर सकते हैं। ओके अगले कॉलर से बात करते हैं, सुधीर है जलंधर से, सुधीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास कार्टेड है 1530 के भाव पर 37 क्वांटिटी में। 1530 की बाइंग है आपकी, कार्टेड 37 स्टॉक से राइट? या मैम। तो अभी तो नुकसान हो रहा है आपको, काफी स्टॉक नीचे आ चुका है और मेरे ख्याल से गौरव के लिए भी डिफिकल्ट होगा इस पर कमेंट करना क्योंकि बहुत ही रीसेंट लिस्टिंग है और इतने चार्ट्स भी नहीं होंगे कि वो एक सेंस दे पाए। गौरव पास करना चाहेंगे या कोई कमेंट आपका कार ट्रेड टेक पर? देखिए आपने सही कहा, ये लिस्टिंग इसकी कुछ एक दो महीने की लिस्टिंग है तो यहाँ पे मेरे लिए बोलना भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन हाँ अगर स्टॉक ने एक क्लोजिंग दे दी 1030-1040 में तो एक अच्छा वापस बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है 1150-1200 के लिए। यहाँ पे इनके लिए मैं ये कहूँगा स्टिक स्टॉपर्स जो है इनके लिए वो है तकरीबन 950 का, उसके नीचे अगर जा रहा था एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके अगला सवाल ले लेते हैं, रीटा डुबे ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से व्हाट्सएप के जरिए, अंबुजा सीमेंट 10 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 428 के प्राइस पर, ट्रेडिंग व्यू है या इन्वेस्टमेंट ये तो क्लैरिटी नहीं है, बट अंबुजा सीमेंट क्या सजेशन 428 की बाइंग के हिसाब से? ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अंबुजा सीमेंट काफी बेहतरीन लग रहा है, लंबी अवधि का नजरिया इस पे होल्ड करना चाहिए, वीकली और मंथली चार्ट्स में अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, तो इनके लिए जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 350-355 का होगा और आप होल्ड करके रह सकते हैं, यहाँ पे जो मोमेंटम है काफी स्ट्रॉन्ग है और आपका स्टॉक जो है वो 455 के लेवल दिखा सकते हैं। दिलीप ने एक सवाल भेजा है बाराबंकी से अशोक लेलैंड पर, यहाँ पर 146 की इन्होंने खरीदारी की हुई है और जो खरीदारी जो क्वांटिटी है वो 284 शेयर्स की है, बाइंग प्राइस है अशोक लेलैंड में 146 का 133 पर हुआ है बंद, तो थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या करें अशोक लेलैंड में? यहाँ पे 111 से 115 के अच्छे सपोर्ट आ रहे तो वो आपके लिए स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक फॉल्स ब्रेकआउट हमको देखने मिला 145-146 के ऊपर, तो रिजेक्शन या फॉल्स ब्रेकआउट काफी पेनफुल होता है, स्टॉक एक बार करेक्ट होने की संभावना है 120 तक के लेवल से देखने मिल रहे हैं, तो आप 115 तक के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं, अगर ये 150 का क्लोजिंग आ जाती है तो काफी एक बड़ा अपसेट आपको देखने मिल सकता है अशोक जीवन में। ओके तो होल्ड करने की सलाह है, स्टॉक को रखिए अभी अपने पास, यही सजेशन होगा। एक और सवाल ले लेते हैं और जो सवाल भेजा है अगला वो आरएन झा ने भेजा है पुणे से, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, झा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद नहीं है, डिटेल्स ले लेते हैं, एलएनटी फाइनेंस पर इनकी क्वेरी है, 1400 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो खरीदारी का प्राइस है वो है 96.50 का, 79 पर बंद हुआ है और नुकसान में इनकी फिलहाल ये पोजीशन है 17 रुपए नीचे, क्या करें इसमें अभी? देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आपको अभी भी देखने मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट पे देखा तो फिलहाल हायर लो और हायर लाइक बन रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक बार अगर चाहिए तो 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका फिलहाल वीक ही है, प्रेशर इसमें बना रहेगा, कोई उछाल का देखने मिलती है तो वहां पे एग्जिट कर लीजिए और आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए 70 का होगा।
ओके, तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो ट्विटर फेसबुक से क्वेरी शो करेंगे पिक, हमारे साथ गौरव भी सब बने हुए हैं आपको सवालों पर राय देने के लिए। चल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार और गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल क्विकली ले लेते हैं इस समय ट्विटर से, और एक सवाल हमें भेजा है बीपीसीएल पर आशीष शर्मा ने, लेकिन बीपीसीएल पर ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं तो दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। पीयूष ने सवाल भेजा है टीसीएस पर, 3500 के बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, व्यू है एक साल का। गौरव देखिए टीसीएस की अगर बात कीजिए और मैं वीकली अगर चार्ट में देखता हूँ तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट रेट है सबको 3350-3300 के आसपास में देखने मिल रहा है, और वीकली चार्ट में अगर मैं इचिमो को इस्तेमाल करता हूँ तो वहाँ पे भी एक सपोर्ट वहीं पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 3300 के स्टॉप लॉस बने रह सकते हैं, ये अगर सस्टेन होता है तो प्रीवियस जो हाई था 3800 वो एक बार वापस टेस्ट हो सकते हैं। अगला सवाल गौरव हमें भेजा है अमित सिंघा ने, मदरसन सुमी 231 की बाइंग है, 200 शेयर्स हैं, व्यू है मिड टर्म का। मदरसन सुमी अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन ऊपर में इसको जो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल मिला 260 के आसपास में, तो एक रेंज में ही ट्रेड होगा, इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 200 के आ रहे हैं, रेशन से 260 का आ रहा है, तो उसके बीच में ही है, तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहिए। 260 की क्लोजिंग के ऊपर काफी बड़े ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर का फिलहाल पॉजिटिव है। ओके, विक्की व्यास ने एक सवाल भेजा है, आदित्य बिरला एएमसी किन की होल्डिंग है, आईपीओ के टाइम के 720 बाइंग है और 20 स्टॉक्स हैं इनके पास, अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस पर कमेंट कीजिए, और साथ ही आईईएक्स 800 की बाइंग है, ये तुनेश ने एक सवाल भेजा है। देखिए स्ट्रक्चर तो अभी मैं ये कहूंगा आदित्य बिरला एएमसी का कि काफी कम प्राइस है, तो अगेन जो प्रीवियस लो था आप उसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए 560-570 का, उसके नीचे आप एग्जिट कर लीजिए, अगर होल्ड वगैरह एक बाउंस आपको देखने मिल सकता है। बियॉन्ड दैट यहाँ पे मेरे लिए कमेंट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि काफी छोटी इसमें प्राइस हिस्ट्री है, तो मैं उस पर आंसर नहीं दे पाऊंगा। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा कहा, आईईएक्स? आईईएक्स की बात की तो जो इमीडिएट इसका स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं है, यहाँ पे अभी भी सस्टेन हो रहा है। इनका जो स्टॉप लॉस है वो है 700 का, 700 का होल्ड हो गया तो जो हायर हाई हायर लो का जो सिलसिला है वो बरकरार रह सकता है, और वहाँ पे एक 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली वेव भी है, सस्टेन रहेगा तो आपको वापस 900 तक जा सकते हैं, 700 का स्टॉप लॉस इनके लिए रहेगा। ओके, अगला सवाल अनिर्बन ने भेजा है पुणे से, टाटा स्टील 30 स्टॉक्स 850 की बाएंगे, दूसरा अरविंद फार्मा 629 की बाएंगे, दोनों लॉन्ग टर्म व्यू? अगर लॉन्ग टर्म की बात की तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं, आपके लिए जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 1055 का होगा टाटा स्टील के लिए बने रह सकते हैं, ये अगर सस्टेन अगर हो गया तो फिर अच्छा है, लेकिन इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा आपके लिए। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है ये सवाल हमें बिजू की ओर से आया है, और सवाल है इनका जुगनू, माफ कीजिए, एचडीएफसी लाइफ 693 इनका परचेसिंग प्राइस है, 1 ईयर का व्यू है और जाना चाहते हैं क्या करें। एचडीएफसी लाइफ के अगर मैं चार्ट देखूं इसको चाहे डेली या वीकली चार्ट, तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट हमको देखने मिला था तकरीबन 650 के आसपास में, और एचडीएफसी लाइफ जो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो मे बी 640 का आप लगा लीजिए, आप होल्ड कीजिए, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक जो है वो एक बार 3 डिजिट्स के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एचडीएफसी लाइफ, 688 पर हुई क्लोजिंग आज के सेशन में। सवाल इतने करेंगे शामिल, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से गौरव? देखिए जो भी आज स्टॉक्स पर हमने डिस्कस किया है हो सकता है इस पर हमने क्लाइंट्स को व्यू दिया हो, मेरी पर्सनल इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन हमने क्लाइंट्स को इसमें सजेस्ट किया हो या व्यू दिया हो। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ रहिए, ट्विटर फेसबुक यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।